सबसे पहले तो नमस्कार सभी लोगों को जो यहाँ पे क्लास में बैठे हुए हैं उनको भी, और जो लोग YouTube पर जो है क्वेश्चंस को देखेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे उनको भी। अब आज जैसा कि आप लोग जानते हैं विजयदशमी का त्यौहार सभी लोग मना रहे हैं, आप लोग भी क्लास के बाद जाइएगा मनाइएगा। फर्स्ट हाफ ही क्लास हमने इसीलिए रखा है कि सेकेंड हाफ आप अपने त्यौहार को एंजॉय कर सके। जब भी हम विजयदशमी की बात करते हैं, एक टर्म, एक कॉन्सेप्ट, एक तथ्य जो है हमारे दिमाग में आता है, अहंकार। तो आज जो है बुराई पे अच्छाई की विजय का दिन हम लोग मनाते हैं। और अहंकार की अगर मैं बात करूं तो व्यक्ति के अंदर अहम होना चाहिए, बिना अहम वो अपने कार्यों को आत्मविश्वास के साथ नहीं कर पाता है। लेकिन जब वो अहम अहंकार में परिवर्तित हो जाता है तो आप मेरा विश्वास रखिए, कभी भी आप प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों को आपने आज तक देखा भी होगा, और हो सकता है नहीं भी देखा हो तो आपने किसी स्टोरी में, पुरानी कहावतों में और बहुत सारी कहानियों में आपने पढ़ा होगा कि अहंकार अगर आपका हावी हो जाता है, अहंकार अगर आपके मन में बैठ जाता है तो आपको आपसे शत्रुता करने में बिल्कुल फिर समय नहीं लगता है। तो अहम उतना ही अपने पास होना चाहिए जितने में हमारा स्वाभिमान हमें अलाउ करता है कि हम ये कार्य को कर सकेंगे। जब वो अहम जो है आपका अहंकार बन जाएगा, उस दिन आप अपने आप को खुद ही खत्म करेंगे। तो अहंकारी व्यक्तित्व जो है वो आप लोगों के लिए उचित नहीं है, अहंकार से आप दूर रहिए। आज के दिन बस आपसे यही मैं कहना चाहूंगी। चलिए, शिक्षण अभियोग्यता का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर लिया था, आज हम लोग रिसर्च यानी कि अनुसंधान अभियोग्यता से कुछ प्रश्न उठाएंगे और उन प्रश्नों को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो कुछ प्रश्न जो है इस अभी जो है मैं आपको करवा दूंगी, जितना अभी समय हमारा सेशन है मेरे ख्याल से 12 बजे तक जितना होगा मैं उतना करवा दूंगी, क्योंकि 12 बजे के बाद आपकी रीजनिंग की क्लास होने वाली है। तो फिर बाकी का जो क्वेश्चन बचेगा हम लोग फिर अगले सेशन में, कल या परसों जब आपकी क्लास होगी उस समय पे लेंगे। चलिए पहले प्रश्न पे हम आते हैं। पहला प्रश्न है हमारा शोध अभियोग्यता से, ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो किसी भी साहित्य में नहीं है, यानी कि अगर हम देखें तो हमारे पास प्रश्न भी है और उत्तर भी है, लेकिन वो कहीं पे साहित्य में अंकित नहीं है। जब हम उनको खोजने का प्रयास करते हैं, यानी कि साहित्य में नहीं है और हम क्या करेंगे, इसको खोजने का प्रयास करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है, पहला शिक्षण, दूसरा ज्ञान, तीसरा अनुसंधान और चौथा इनमें से कोई नहीं। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर किसी भी लिटरेचर में, कहीं पे भी, रिटन फॉर्म में, ऑथेंटिक वे में, कहीं पे भी, किसी भी साहित्य में नहीं है, जब हम उनको खोजने का प्रयास करते हैं तो वो शिक्षण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शिक्षण ऑलरेडी जो मुझे पता है, जितना मुझे आता है, मैं वो आपको देने का प्रयास कर रही हूँ, और आपके पास जो नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं, इस वजह से आप यहाँ पे इस क्लास में बैठे हुए हैं, इसलिए आप ये ज्ञान ले रहे हैं। तो हमारा जो शिक्षण की प्रक्रिया है, दैट इज टू वे प्रोसेस, शिक्षण जो हमारा चल रहा है वो हम दोनों के ऊपर है। ज्ञान का लेन देन यानी कि ज्ञान दिया जा रहा है, ज्ञान लिया जा रहा है, तो ये तो हम खोजने का प्रयास कदापि नहीं कर रहे हैं। दूसरा है ज्ञान, ज्ञान भी हमारा ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान ऑलरेडी मेरे पास है तो ही मैं आपके पास भेज रही हूँ, आपके पास नहीं है तो ही आप मुझसे ले रहे हैं। तो हम कुछ खोजने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जितना मेरे पास है मैं वो सब आपको दे रही हूँ, और जितना भी मैं आपको दे रही हूँ आप वो सब लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम इसको कहीं भी खोज नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। अनुसंधान, ऑफ कोर्स, ये क्या है? अनुसंधान है क्योंकि
जो साहित्य में नहीं लिखा हुआ है, प्रश्नों का उत्तर हम विभिन्न तरीके से, विभिन्न माध्यमों से, अलग-अलग जो है लोगों के विचारधाराओं को जोड़ करके, अलग-अलग स्थानों पर और अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग विधियों का प्रयोग करके हम उस उत्तर को निकालते हैं, जिस उत्तर को हम लोग निष्कर्ष या प्रतिपादन कहते हैं। तो ये जो प्रयास हमारा है वो क्या होगा? अनुसंधान होगा। और जब ये तीसरा जो यूनिट है हमारा, ये जो तीसरा ऑप्शन है, अगर ये करेक्ट है तो फिर इनमें से कोई नहीं, ये भी हमारा नहीं होगा। तो प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो किसी साहित्य में नहीं होते हैं, जब उन्हें खोजने का प्रयास किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुसंधान। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं हम। दूसरा प्रश्न है हमारा, साक्ष्यों के आधार पर समस्याओं का विश्लेषण करके, ठीक है, साक्ष्यों को बेस बना के समस्याओं का विश्लेषण करके सुनियोजित तरीके से अनुसंधान के द्वारा समाधान निकाला जाता है। ठीक है, इस तथ्य से आप लोग अग्री करेंगे कि जो भी हमारे साक्ष्य, हमारे पास जितने भी साक्ष्य उपस्थित होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, जितनी भी उनकी समस्याएं हैं, साक्ष्य की समस्याओं का विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करने के बाद अनुसंधान के माध्यम से हम एक समाधान निकालते हैं। इस समाधान से तात्पर्य है, यानी कि जो समाधान हमारे पास आता है, समाधान से तात्पर्य है। अनुसंधान के पश्चात जो समाधान हमारे पास आया उससे तात्पर्य है। नंबर 1 हमारे पास ऑप्शन दिया है, मानव ज्ञान में वृद्धि। दूसरा है, मानव की क्रियाशीलता में वृद्धि। तीसरा है, मानवीय व्यवहार में वृद्धि। और चौथा है हमारा, मानवीय विकास। ठीक है, जो साक्ष्यों के आधार पर हमारी समस्याएं होती हैं, समस्याओं का जब हम संकलन करते हैं, उन समस्याओं के आधार पर जब हम बहुत सारे विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण के पश्चात हम शोध का कार्य करते हैं, उस शोध कार्य के पश्चात जो समाधान हमारे पास आता है, वो समाधान बेसिकली उससे क्या तात्पर्य है? पहला है मानव ज्ञान में वृद्धि, इसको हम बाद में देखेंगे, मानव की क्रियाशीलता में वृद्धि। अब मान लो किसी ने कोई जो है वो शोध कार्य किया, कोई समस्या लिया और उसका प्रतिपादन किया, तो उस प्रतिपादन से मानव की क्रियाशीलता में वृद्धि होगी। अगर हम बोलते हैं कि न्यूटन का लॉ, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम ये कहता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ये कहता है कि अगर कोई चीज हम ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो वो बहुत तेजी से नीचे चला जाता है, तो इससे इस क्रियाशीलता में क्या वृद्धि होगी? ये नियम जानने के बाद क्या हम क्रियाशील हो जाएंगे? नियम और प्रतिपादन अगर हमारे पास आएगा तो क्या हम एक्टिव हो जाएंगे? हम एक्टिव नहीं होंगे, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, मानवीय व्यवहार में वृद्धि। अगर हमारे पास कोई प्रतिपादन आ गया, किसी साइंटिस्ट ने अगर कुछ नियम या कोई सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया, तो क्या हम उससे अपना व्यवहार परिवर्तित कर लेंगे? हम नहीं परिवर्तित करेंगे। ठीक है, हमारा व्यवहार जैसा है वैसा ही रहेगा। मानवीय विकास, अगर कोई नियम या कोई सिद्धांत कोई प्रतिपादित करता है या नहीं भी करता है, क्या हमारे अपने विकास पे उसका प्रभाव पड़ेगा? क्या किसी के नियम प्रतिपादित करने से या किसी के सिद्धांत प्रतिपादित करने से मेरे 2 कान की बजाय 4 कान आ जाएंगे? क्या
कोई बच्चा जो है अगर एक नियम प्रतिपादित होता है तो उस प्रतिपादन से एक नॉर्मल बच्चा जो है वो कुल मिलाना या बोलना जो है वो 2 महीने में सीखता है, नॉर्मल जो है वो 6 महीने में काका दादा नाना ये सब चीजें धीरे धीरे स्टार्ट करता है, क्या उस नियम या प्रतिपादन से जो है वो 6 महीने में ही पूरे सेंटेंस बोलना सीख जाएगा? नहीं बोलेगा। क्या वो चलना दौड़ना सीख जाएगा? क्या उसके अंदर जो है वो पूरी कहानी स्टोरी का स्टोरेज जो है उसके दिमाग में आ जाएगा? नहीं आएगा। तो मानवीय विकास जो है इससे प्रभावित नहीं होगा। जबकि हम क्या करेंगे, कोई भी प्रतिपादन जो है हमारे पास आता है, जब भी कुछ नियम या सिद्धांत जो है हमारे सामने आते हैं, जब अनुसंधान के द्वारा कोई समाधान हमारे पास आता है, तो वो कुछ भी नहीं हमारे ज्ञान की वृद्धि करता है। जो भी नॉलेज हमारे पास है उस नॉलेज को क्या करता है, वो बढ़ाता है। तो अनुसंधान के बाद जो हमारे पास समाधान प्राप्त होता है वो हमारे को हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, आप अटक जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, शोध है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा है, शोध है। नंबर वन ऑप्शन है तार्किक प्रक्रिया, नंबर टू ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया, नंबर थ्री ए तथा बी, सॉरी वन तथा टू दोनों सही है, और फोर है आपका इनमें से, सॉरी एक तथा दो गलत है। ठीक है, ये प्रश्न है हमारा, शोध है। शोध क्या है आपका, पहला ऑप्शन आ रहा है तार्किक प्रक्रिया। ठीक है, तार्किक प्रक्रिया है। क्यों है, क्योंकि हम किसी भी शोध कार्य में बहुत आसानी से और बहुत ही इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करके हम लोग तर्क और वितर्क कर सकते हैं। उसके किसी भी टॉपिक को उठा करके हम उस पे तर्क कर सकते हैं, हम किसी के विचारों को जो है आमंत्रित कर सकते हैं, हम अपने पूर्व अनुभवों का सहारा लेकर के उसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। किसी ने अगर कुछ प्रतिपादित कर दिया, कोई नियम या सिद्धांत जो है उसने प्रतिपादित कर दिया, तो उन नियमों को उठा करके अगर हमें कहीं से कुछ लगता है तो हम उस पर तर्क वितर्क करके हम उनके नियमों के आधार पर भी उनको भी बेस बना करके उस सेम फॉर्मेट में हम उसके ऊपर शोध का कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो शोध है वो हमारा तार्किक प्रक्रिया है। दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया ये भी है। क्यों, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जो है उसके डिटेल में जब भी जाते हैं तो हम पॉइंट वाइज उसमें एट द एंड हम क्या करते हैं, हम अपने आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। एकत्रित करने के बाद हम उनको क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं। सुव्यवस्थित करने के पश्चात उनमें से जो बेस्ट हमारे लिए है, यानी कि हमारे शोध कार्य के लिए जो हमारे को उपयोगी है, हम उनको छांटते हैं, उनको हम अपने प्रयोग के अनुसार अगेन क्रमबद्ध करते हैं, और क्रमबद्ध करने के बाद हम अपना एक प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट तैयार करते हैं, और रिपोर्ट हमें निष्कर्ष या समाधान या उसको आप प्रतिपादन कह लीजिए वो प्राप्त प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हमारा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। जब ये दोनों प्रक्रियाएं हमारी करेक्ट हैं तो सी ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, और जब ये तीनों सही है तो ये ए तथा दो गलत है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब आपके इस चार में से आपका ये फोर ऑप्शन ये तो गया, सीधा सीधा कट गया। अब तीन ऑप्शन जो है हमारे को सही मिल रहे हैं, लेकिन इन तीनों में हम देखेंगे जो सी ऑप्शन यानी कि थ्री ऑप्शन है हमारा, इस थ्री के अंदर एक तथा दो दोनों शामिल है, ये भी शामिल हो गया, ये भी शामिल हो गया, तो हमें इनमें से कोई एक ही आंसर देना है। तो हमारा आंसर तीन नंबर जो है वो थ्री नंबर क्या होगा, करेक्ट होगा, कि शोध जो है वो तार्किक
और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार की प्रक्रिया होती है। ठीक है, शोध कार्य या अनुसंधान जो है वो तार्किक और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रक्रिया है। नेक्स्ट आइए चौथा नंबर, शोध कार्य में सर्वाधिक आवश्यक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, शोध कार्य में सर्वाधिक आवश्यक है। नंबर वन पूंजी, नंबर टू स्थान, नंबर थ्री धैर्य और नंबर फोर मित्र मंडली। शोध कार्यों में जब भी हम शोध का कार्य करते हैं, हम रिसर्च का वर्क करते हैं, तो उसमें सर्वाधिक आवश्यक क्या है? पूंजी, कभी कभी हाँ कभी कभी ना। ठीक है, जब आप शोध का कार्य करते हैं तो आपको पूंजी की आवश्यकता कभी कभी होती भी है और कभी कभी नहीं भी होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक, ये ऑप्शन हमारा हाँ और ना, एक बार दोनों लेके चलेंगे। स्थान ऑब्वियसली हाँ और ना दोनों है। ठीक है, विषय वस्तु यानी कि समस्या के अनुसार या समस्या के आधार पर स्थान हो सकता है आवश्यक हो, बट कंपल्सरी नहीं है। अगर स्थान निर्धारित नहीं है तो भी हम शोध का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, मित्र मंडली अगर है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये जो तीन ऑप्शन है हमारे, अगर क्वेश्चन ये पूछता इन तीनों के बाद अगर एक ऑप्शन आपके पास आता कि उपरोक्त सभी सत्य हैं, अगर ये ऑप्शन होता तो ऑब्वियसली ये हमारा ऑप्शन सही होता, क्योंकि शोध में हमें पूंजी कभी कभी रिक्वायर्ड होती है, शोध में स्थान जो है कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है, मित्र मंडली की आवश्यकता कभी कभी हमें पड़ सकती है, बट ऑल द टाइम इनकी जरूरत कहीं भी डेफिनेट नहीं लिखा हुआ है कि अगर पूंजी है तो ही शोध होगा, अगर स्थान है तो ही शोध होगा, अगर आपके मित्र हैं तो ही शोध होगा। ठीक है, तो ये तीनों टर्म जो है हाँ और ना में अटके हुए हैं, लेकिन आपका जो सबसे बेहतरीन जो आपके पास तथ्य है दैट इज धैर्य यानी कि पेशेंस। जब हम शोध कार्यों की बात करते हैं, जब हम अनुसंधान की बात करते हैं, तो अनुसंधान का डेफिनेशन ही पहला है। अनुसंधान का डेफिनेशन ये कहता है कि जो सत्य या जो प्रश्न के उत्तर किसी साहित्य में नहीं लिखे गए हैं उसको हम खोजने का प्रयास करते हैं, उस उत्तर को हम खोजने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए सेकेंड लाइन हमारी यही होती है, जिसके लिए हमें या अनुसंधानकर्ता को या शोधकर्ता को धैर्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो धैर्य जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा इन सब में, क्योंकि अगर धैर्य नहीं है तो आप शोध का कार्य नहीं कर पाएंगे। मित्र है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, पूंजी और स्थान है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, अगर अनुसंधानकर्ता के अंदर धैर्य नहीं है तो वो शोध का कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए उसके अंदर धैर्य का होना आवश्यक है। चलो नेक्स्ट, अनुसंधान की प्रक्रिया है या शोध की प्रक्रिया है कैसी है? अपने पास ऑप्शन है व्यवस्थित, वैज्ञानिक, सुनियोजित और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। प्रश्न है हमारा शोध की प्रक्रिया है, जो रिसर्च का हमारा प्रोसेस है वो क्या है? व्यवस्थित है, है बिल्कुल, वैज्ञानिक है,
है, क्योंकि हम लोग आए दिन कुछ कुछ नए तथ्यों का, कुछ कुछ बिल्कुल सूक्ष्म बोलते हैं ना, पॉइंटेड हम कोई इश्यूज लेते हैं, उनका बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करते हैं और उसके ऊपर कुछ प्रतिपादन करने की कोशिश करते हैं, कोई नियम जो है वो सामने लाने की कोशिश करते हैं, उनसे कुछ सिद्धांत बनाने की कोशिश करते हैं, समस्या के पूर्ण समाधान का प्रयास करते हैं। तो ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है, सुनियोजित है, ऑब्वियसली है, क्योंकि जो हमारा शोध का कार्य है, शोध का कार्य जो है वो बहुत सारे स्टेप्स पे चलता है। जैसे हम समस्या आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसकी हम क्या करते हैं, परिकल्पना तैयार करते हैं, फिर परिकल्पना के बाद हम उसमें किनको जो है या क्या विधि अपनाएंगे उस पर्टिकुलर अनुसंधान के लिए, हम उसको छांटते हैं या उनको अपनाते हैं। देन उसके बाद हम डाटा संकलित करते हैं, संकलन के पश्चात हमारे को जो इसमें से चाहिए, हम उपयोगी डाटा को जो है वो एकत्र करते हैं, और उसके बाद जो डाटा हमारे पास आया उससे हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, और यही निष्कर्ष क्या होते हैं, हमारा प्रतिपादन कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये शोध जो है एक नियोजित प्रक्रिया है। ठीक है, आपको इसको नियोजित करना पड़ता है, आपको इसको बिल्कुल सटीक रखना पड़ता है, आपको कुछ अपने ही सिस्टम्स फॉलो करने होते हैं जिसके अंदर इन प्रक्रियाओं को आपको शामिल करना होता है। अगर आपको आप इसको नियोजित नहीं रखेंगे, नियोजित से तात्पर्य जब आप इस स्टेप पे गए और आपने कोई समस्या उठाई और आपको यही नहीं पता कि ये समस्या शोध के लिए है भी या नहीं, तो आपका वो समस्या लेना भी बेकार है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इस पे शोध कार्य कर सकते हैं या नहीं। ठीक, उसके बाद आपने समस्या जो लिया, अगर आपने उसकी परिकल्पना नहीं की कि हम इसको कैसे कैसे इन फ्यूचर हम क्या क्या स्ट्रेटजीज बनाएंगे, हमें किस तरीके से इसको जो है लेकर के चलना है, इनमें किसको किसको शामिल करना है, क्या क्या कार्य हमें करने हैं, हमें कितना समय लग सकता है, कितना दिन लगेगा, कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या विधि प्रयोग मिलेंगे, अगर हम इन सबको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम उस कार्य को नहीं कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हर एक कदम पे अगर हम इनको जांचेंगे परखेंगे नहीं, हम इनको नियोजित नहीं करेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन हमारा सही है या नहीं। तो ये भी हमारे लिए सही है, अगर ये तीनों सही हैं तो शोध की प्रक्रिया जो है हमारी सभी है, व्यवस्थित है, वैज्ञानिक है और सुनियोजित है। ठीक है, नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अनुसंधान वैधानिक तथ्यों के लिए, अगला प्रश्न है हमारा, अनुसंधान वैधानिक तथ्यों के लिए डैश 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 प्रदर्शित करता है, यानी कि जो शोध है हमारा, अगर हम उसके वैधानिक तथ्यों को लें तो वो हमारे सामने क्या प्रदर्शित करता है, नंबर वन ज्ञान, नंबर दो व्यवहार, नंबर तीन विश्वसनीयता और नंबर चार सम्मान। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन प्रश्न इसको मैं कह सकती हूँ। अनुसंधान वैधानिक तथ्यों के लिए डैश 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 प्रदर्शित करता है। पहला पॉइंट है हमारा ज्ञान। अगर हम ज्ञान के प्रदर्शन की बात करें तो सिंपली ज्ञान तो अगर वैधानिक तथ्य नहीं भी होगा, कोई अगर मुझसे कुछ आ करके बोल देगा, अगर मुझसे कोई आ करके ये बोलता है कि हवा महल के पास में एक बहुत ही बेहतरीन दुकान खुली है जिस दुकान पर कपड़े छतरियां ये वो सब मिलते हैं,
उसने आकर के मुझसे कहा मेरे को ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है, हम अगर गूगल भी कर लें तो हमें पता चलेगा, अगर हमने हमें अगर ये जानना है कि आज का मौसम कैसा रहना है, आज शाम को 5 बजे का जयपुर का तापमान क्या होगा, सिंपली गूगल कर लें तो भी हमारे पास ये चीज आ जाएगी। हमें उसमें वैधानिक तथ्यों की कहाँ जरूरत आ रही है, हमें तो केवल ज्ञान चाहिए, हम तो केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो ज्ञान में अगर वैधानिक तथ्य नहीं है, अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें मिल रही है, कोई भी नॉलेज अगर हम किसी से गेन कर रहे हैं या किसी को शेयर कर रहे हैं, दैट इज नॉलेज जिसके लिए वैधानिक तथ्यों की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है हमारा व्यवहार। तो पहली बात तो ये कि ज्ञान हमारा ये होगा नहीं, ठीक है। दूसरे पे हम आते हैं व्यवहार। अगर मैं किसी से हंस हंस के बात करती हूँ, अगर मैं किसी से हंस हंस के बात करती हूँ तो क्या मेरे बोले हुए शब्द वैधानिक हो जाएंगे? नहीं होंगे, ठीक है। अगर मैं किसी से अक्कड़ के बात करती हूँ, अगर मैं अपने मुद्दे को अपनी बात को पूरी तरीके से किसी के सामने रखना चाहती हूँ, अगर अपनी ही बात को हमेशा ऊंचा रखना चाहती हूँ, सर्वोपरि रखना चाहती हूँ, तो क्या ये वैधानिक तथ्य होगा? नहीं। हम व्यवहार चाहे जैसा भी प्रदर्शित कर लें, ये वैधानिक तथ्य नहीं होगा, ठीक है। वैधानिक तथ्य व्यवहारिक नहीं होगा। तीसरा हम छोड़ते हैं एक बार, हम चौथे पे आते हैं। अगर हम कोई वैधानिक तथ्य लेते हैं या अगर हम कोई वैधानिक इशू कोई अगर हम उठाते हैं, तो क्या उसकी जानकारी के बाद हमें सम्मान मिलने लगेगा? ऐसा नहीं होगा। अगर मैं जाकर के किसी को बोलूं कि आज मैं अनुसंधान अभिक्षमता के 10 क्वेश्चन करा के आई हूं, ठीक है, तो क्या मुझे कोई सम्मान देने लगेगा? 10 क्वेश्चन कराने में क्या मैं सम्मानित हो जाऊंगी? नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये मेरा काम है, दैट इज माई जॉब प्रोफाइल। जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल होते हैं, वो अपना समय और पैसा लेकर के आते हैं, जिसके एवेज में वो यहाँ से ज्ञान लेकर के जाते हैं। तो दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरी ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों है कि मैं उन लोगों को ये प्रश्न करवाऊँ। इसमें सम्मान की कतई कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपना जॉब परफॉर्म कर रही हूँ और स्टूडेंट्स इन 10 क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर रहे हैं अपनी तैयारी के लिए। वो क्यों सॉल्व कर रहे हैं? अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपनी तैयारी के लिए। लेकिन जब हम विश्वसनीयता की बात करते हैं तो यस, अगर हमारे तथ्य वैधानिक हैं, कुछ नियम कानूनों में बंधे हुए हैं, कोई लॉजिक है जो किसी पर्टिकुलर एरिया विशेष में कोई एक रूल निकाला गया है उसको फॉलो करते हुए है, किसी से अप्रूव्ड है, किसी भी नियम के अधीन आता है, कुछ ऐसे तथ्य अगर हम लोग अपने अनुसंधान में सम्मिलित करते हैं तो उस अनुसंधान कार्य की विश्वसनीयता क्या होती है? बढ़ जाती है। मेरे और आपके कहने से जो है वो अनुसंधान नहीं होता है। जब भी शोध कार्य आप करते हैं, शोध कार्य के बाद जब तक आप अपनी थीसिस को नहीं लिखते हैं, आपकी थीसिस जब तक प्रकाशित नहीं होती है, आपको जो उपाधि दी जाती है वो उपाधि जब तक किसी न्यूज़पेपर में प्रकाशित नहीं होती है तब तक वो भी मान्य नहीं होती है। तो जो एक पर्टिकुलरली अगर हम लोग देखें वैधानिक तथ्य हम अपनाते हैं, वो तथ्य ना तो हमारे ज्ञान की वृद्धि करते हैं, ना ही हमारे व्यवहार को कम या ज्यादा करते हैं, ना ही हमारे सम्मान को ऊंचा या नीचा करते हैं, लेकिन उन तथ्यों से उसकी विश्वसनीयता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो हमारा सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? होप बोर नहीं हो रहे होंगे क्योंकि ये आपके काम की चीजें हैं। जो लोग नेट का एग्जाम देने वाले हैं अभी दिसंबर में, वो लोग बहुत सीरियसली इस तरीके के क्वेश्चंस को देखें, पढ़ें, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही इजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो हमें पढ़ते समय लगता है बहुत इजी हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस में ही, इन प्रश्नों में ही हम फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं और हम गलत करके आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, शोध कार्यों में प्रतिपादित नियम तथा सिद्धांत होते हैं। प्रश्न में लिखती हूँ पहले, शोध कार्यों में
प्रतिपादित नियम तथा सिद्धांत होते हैं। कैसे होते हैं? नंबर वन है सामान्य, नंबर दो है निबंधात्मक, नंबर तीन है क्रमिक और नंबर चार है वस्तुनिष्ठ। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी है, काफी इजी है, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। शोध कार्यों में प्रतिपादित नियम तथा सिद्धांत होते हैं। जो भी हम शोध का कार्य करते हैं, पूरा प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जो एट द एंड ऑफ डे हमारे हाथ में जो हमारा एक प्रतिपादन आता है वो होता है, कैसा होता है? नीचे से शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ होता है? वस्तुनिष्ठ बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वस्तुनिष्ठ में बहुत सारे छोटे 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 तथ्य होते हैं। तो जहां पे बहुत सारे होते हैं वो हमारा प्रतिपादन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रतिपादन नियम या सिद्धांत जो है हमारा वन लाइन, हमारी टैगलाइन टाइप होता है। तो वस्तुनिष्ठ तो हुआ नहीं। हम नीचे से ही आते हैं। तीसरा आपका क्रमिक है। क्रमिक हो नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे हैं नहीं, ठीक है? बहुत सारे जब उसमें जो है हम लोग पॉइंट्स इकट्ठे नहीं कर रहे हैं, जब प्रतिपादन पॉइंट्स में नहीं हो सकता है तो ये क्रमिक तो हो ही नहीं सकता है। क्रम उसमें हम ऊपर नीचे नहीं बिठा सकते। निबंधात्मक ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रतिपादन वन लाइनर होता है। एक लाइन, एक टैग लाइन, एक पॉइंट, एक ही जो है वो लाइन में होता है। तो निबंधात्मक की तो हम सोच ही नहीं सकते हैं कि प्रतिपादन हम बहुत ज्यादा ऐसे उसके ऊपर लिख करके हम लोगों को बोले ये लो मेरा प्रतिपादन है। नहीं, प्रतिपादन जो है हमारा वन लाइन होता है, दैट इज सिंपल एंड स्वीट। वन लाइन हमारा क्या होता है? सामान्य होता है। तो शोध कार्यों में प्रतिपादित नियम तथा सिद्धांत क्या होते हैं? सामान्य होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये हमेशा फंसाते हैं। अभी आप लोगों में से पेपर मैंने लिया था तो बहुत सारे बच्चों ने ये फोर्थ ऑप्शन को करेक्ट किया था, ठीक है? जबकि फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। मैंने पहले ही लिखाया था, आप लोगों को पहले ही पढ़ाया था कि अनुसंधान में प्रतिपादित नियम जो है क्या होने चाहिए? सामान्य होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अनुसंधान की जो प्रक्रिया है, संपूर्ण प्रक्रियाओं से जब हम गुजरते हैं तो हम उसको असामान्य करके गुजरते हैं, और लास्ट में हम उसका जो प्रतिपादन है वो एक सामान्य प्रतिपादन जो है हम लोग दूसरों के सामने रखते हैं, जिससे हमारा जो शोध का कार्य है वो दूसरे जो लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत आसानी से पढ़ सकें, उसको उसी वे में समझ सकें जिस वे में हमने उस शोध के कार्य को किया है। चलिए, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। अनुसंधान में किसे अहमियत नहीं दी जाती है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। शोध में किसे अहमियत नहीं दी जाती है? चलिए, नंबर वन हमारे पास ऑप्शन है व्यक्तिगत भावनाओं को, नंबर दो ऑप्शन है हमारा व्यक्तिगत विचारों को, नंबर तीन एक तथा दो सही हैं, नंबर चार एक तथा दो गलत हैं। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। अनुसंधान में किसे अहमियत नहीं दी जाती है, या शोध कार्यों में हमें किसे अहमियत नहीं देना चाहिए या नहीं दी जाती है? पहला ऑप्शन है हमारा व्यक्तिगत भावनाओं को। जब भी हम शोध का कार्य करते हैं, नो डाउट वो हमारा अपना व्यक्तिगत होता है। समस्या हम व्यक्तिगत रूप से उठाते हैं, हम कार्यों का प्रारंभ भी व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं,
लेकिन हमारी अपनी व्यक्तिगत भावनाएं हैं, अगर उन व्यक्तिगत भावनाओं को हम लोग दायरे में रखेंगे तो हम शोध का कार्य नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, अगर हम कोई शोध का कार्य कर रहे हैं, हम प्रकृति के ऊपर, प्रकृति से रिलेटेड, पर्यावरण से, या हम कुछ ऐसा पर्यावरणीय मुद्दा ही हम लोग अगर लेते हैं, उस पर्यावरणीय मुद्दे के ऊपर हमें आवश्यक है कि हम यहाँ से ऋषिकेश पौड़ी गढ़वाल जाएं और वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वहाँ का, वो एक बार सर्च देखें उस पे, वहाँ पे ऑब्जर्व करें और उनको फिर अपने रिसर्च में शामिल करें। लेकिन हमारी व्यक्तिगत समस्या, व्यक्तिगत भावना ये है कि हम एक फीमेल हैं, हमें अकेले जाना है तो घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। अगर ये समस्या आई, अगर ये भावना हमारी आई, तो शोध हमारा क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा। तो व्यक्तिगत भावनाओं को हम क्या करेंगे, अहमियत नहीं देंगे, ये क्या होगा, करेक्ट होगा। दूसरा है व्यक्तिगत विचारों को, शोध से रिलेटेड मेरे अपने विचार, मेरे को अगर शोध करना, एग्जाम्पल इसका भी लेते हैं, मैं किसी जनसंख्या के किसी टॉपिक पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है, मुझे कुछ आंकड़े एकत्रित करने हैं और मैं जो है अभी गोपालपुरा रोड में रह रही हूँ, मैं किसी अच्छे पॉलिटिशियन की बेटी हूँ, मुझे अपना शोध कार्य करना है, मुझे आंकड़े इकट्ठे करने के लिए सांगानेर जाना है। सांगानेर का जो व्यक्ति वहां पे है, पार्षद है या जो कोई भी है, मुझे उससे जा करके पर्सनल एक चैट करना था, उससे मुलाकात करनी है, मुलाकात करके कुछ उसके व्यूज लेने हैं, उसका एक परसेप्शन लेना है कि इस पॉइंट पे वो क्या कहता है, उसको बेस बना करके मुझे अपना कंक्लूजन निकालना है। अब समस्या यहाँ पे क्या आई, मैं इस एरिया के किसी पॉलिटिशियन की बेटी हूँ, भाई मेरे को तो शोध कार्य करना है, तो शोध कार्य तो मेरा अपना है, लेकिन मैं एक पॉलिटिशियन की बेटी हूँ, ये मेरे अपने व्यक्तिगत थॉट हैं। देन जिसके पास जाना है वो किसी दूसरे ऑपोजिशन पार्टी का व्यक्ति है, तो अब मुझे जा करके, शोध मेरा ये कहता है कि मुझे जा करके आंकड़ा लाना है, लेकिन व्यक्तिगत रीजन मेरे ये कहते हैं कि मैं क्यों जाऊं उस पार्टी वाले के पास, मैं किसी उसके आदमी को बोल देती हूँ, वो लिख करके वो यहाँ पे दे करके जाएगा, या फिर उसको बोलती हूँ वो मेरे पास है, अगला बोलेगा मेरा काम है क्या, मैं क्यों जाऊं उसके पास, उसका काम है, वो खुद है। तो जब इस तरीके के तर्क वितर्क में हम लोग लगते हैं तो ये क्या होते हैं, हमारे अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं, जिनको अगेन हमें अपने शोध में शामिल नहीं करना है। तो इन दोनों को हमें शामिल नहीं करना है, दैट मीन्स ए तथा दो क्या है, सही है, और जब ए दो सही है तो गलत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसी में अगर हम लोग इस ऑप्शन को देखें तो हमारा, चूंकि पहला और दूसरा हमारे तीसरे वाले ऑप्शन में आ गया है, तो हमारे शोध में हमें किसे अहमियत नहीं देनी चाहिए, एक तथा दो नंबर पे जो टर्म्स हैं हमारे, उनको हमें अपने शोध में अहमियत नहीं देनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुसंधान के लक्ष्यों को जानने के लिए कौन से कारण निर्धारित किए गए हैं, अनुसंधान के लक्ष्यों को जानने के लिए कौन से कारण निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। इसमें हम ऑप्शंस में आते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा बौद्धिक कारण, दूसरा है व्यवहारिक कारण, तीसरा है एक तथा दो दोनों सत्य हैं, और चौथा है एक तथा दो दोनों असत्य हैं।
अनुसंधान के लक्ष्यों को जानने के लिए कौन से कारण निर्धारित किए गए हैं? जब हम अनुसंधान के ऊपर कार्य करते हैं, जब हम शोध का कार्य अपना प्रारंभ करते हैं, तो शोध का कार्य हमारे परिकल्पना के अनुसार, पहले हमने समस्या लिया, उस समस्या के अनुसार हमने उस समस्या की परिकल्पना की कि शोध कार्य में हमें आगे क्या क्या कैसे करना है, तो उस परिकल्पना के अनुसार हम क्या करते हैं, लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। अब उस लक्ष्य के निर्धारण के लिए कौन कौन से कारक जो है हमारे लिए उपयोगी होते हैं, या कौन से कारण निर्धारित किए गए हैं? तो बौद्धिक कारण, यस बिल्कुल करेक्ट है, बौद्धिक कारण हमारा जो है वो निर्धारित है। जब भी हम लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे तो हमारी अपनी बुद्धि, हमारी अपनी क्षमता, हमारा अपना विवेक, हमारा अपना ज्ञान, ये सब चीजें यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी। दूसरा है व्यवहारिक कारण। बौद्धिक कारण हमारे ज्ञान से रिलेटेड है, व्यवहारिक कारण हमारे क्रियात्मक क्रियाओं से रिलेटेड है, यानी कि जो क्रियात्मकता है हमारी, जो हमारी सोच है, उस सोच के अनुसार उसका एग्जीक्यूशन हम कैसे कर पाएंगे, किस लेवल पे कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, कितना हमें दौड़ना है, कितना जाना है, कितना आना है, कितना बैठ करके काम करना है, कितना हमें अपने लिख करके काम करना है, कितना कंप्यूटर पे काम करना है, कितना फोन पे काम करना है, कितना लोगों से मुझे बात करनी है, कितने मेल भेजने हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारे व्यवहारिक कारण के अंतर्गत आएंगे। ये दोनों अगर सत्य हैं तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, और अगर ये करेक्ट है तो फोर्थ ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता है। तो अनुसंधान के लक्ष्यों को जानने के लिए बौद्धिक तथा व्यवहारिक कारण सत्य हैं, ठीक है, इनकी आवश्यकता पड़ती है या इनको निर्धारित किया गया है। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। और लास्ट हम 10वें नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, मनुष्य के अंदर निहित जिज्ञासा तथा उसके कार्य करने की क्षमता अनुसंधान के लक्ष्य निर्धारण का कौन सा कारण है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये भी, मनुष्य के अंदर निहित जिज्ञासा तथा उसके कार्य करने की क्षमता अनुसंधान के लक्ष्य निर्धारण का कौन सा कारण है? अब इसमें भी आपके दो कारण बताए गए हैं, बौद्धिक कारण व्यवहारिक कारण, एक तथा दो दोनों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के अंदर निहित जिज्ञासा उसके कार्य करने की क्षमता अनुसंधान के लक्ष्य निर्धारण का कौन सा कारण है? मनुष्य के अंदर की जो जिज्ञासाएं होती हैं या उसके कार्य करने की जो क्षमता होती है, वो उसके आत्मविश्वास का ही परिचालक होती हैं। आत्मविश्वास तब आता है जब व्यक्ति को ये पता होता है कि इस कार्य को हम कर सकते हैं। दैट मीन्स जब आत्मविश्वास आपके अंदर है तो आपके अंदर जो है कार्य करने की क्षमता विद्यमान है, ठीक है। जब आत्मविश्वास है तो क्या है, क्षमता है। जब आप उस कार्य को करने जाते हैं और कार्य को करने के लिए समर्पित होते हैं, समर्पित होने के लिए आप बहुत सारे नए तथ्यों को जो है वो देखते हैं, जो आपके पास ऑलरेडी एकत्रित है, आप उसको भी जो है वो
उसमें शामिल करते हैं, जो नॉलेज पहले से है उसको भी लेते हैं, नए नए जो है वो ज्ञान की खोज करते हैं। दैट मीन्स आपके पास जिज्ञासा भी है। तो जब आप इन दोनों को एक साथ मिला करके कार्य कर रहे हैं, तो ये आपके बौद्धिक कारण में ही है। व्यवहारिक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्षमता व्यवहार से नहीं होती है, आपकी जिज्ञासा व्यवहार से नहीं होता है। ये सब आपके बौद्धिक कारण होते हैं, और इनको बहुत ज्यादा अगर मैं समझाने का प्रयास करूंगी तो हमें मनोविज्ञान की शाखा में जाना पड़ेगा, जो हमारे इस क्लासरूम प्रोग्राम के लिए बिल्कुल भी इसेंशियल या जरूरी नहीं है। इस वजह से इतना डेप्थ में भी हम लोग नहीं जाएंगे। ये एक बौद्धिक कारण है, व्यवहारिक है नहीं। तो एक तथा दो दोनों भी नहीं हो सकते, और इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। ये बौद्धिक कारण आपका सही है, ठीक है। इस प्रकार से आज हमने शोध अभिक्षमता यानी कि अनुसंधान अभिक्षमता के 10 प्रश्नों के जो है वो प्रश्न भी किए, उनके साथ साथ उनके ऑप्शंस के साथ साथ उनका सॉल्यूशन भी किया। तो ये प्रश्न जो है आपको नेट के एग्जाम में या अनुसंधान अभिक्षमता से रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम देंगे, किसी भी विषय से आप दे रहे हैं, अगर ये यूनिट आपके वहां पे काम आती है तो ये प्रश्न आपके काम के हो सकते हैं। तो आप इनको पढ़िए, इनको देखिए, इनको समझिए।